पेट के ऊपर जो सोनोग्राफी करते हैं उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, परंतु आज मैं जो इंटरनली सोनोग्राफी होती है जिसे हम TVS बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज हम डिस्कस करते हैं TVS के बारे में। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली अल्ट्रासाउंड को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पेट के ऊपर जेली लगा लेते हैं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो जिसे हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और दूसरी तरीके से में हम एक स्मॉल प्रोब होता है जो कि हम वजाइना में या योनि मार्ग में इंसर्ट करते हैं, तो उसे ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या TVS कहते हैं। अब हम बात करते हैं TVS की ज़रूरत क्या है। जब हम पेट के ऊपर से यूट्रस और ओवरीज देखते हैं तो जो स्मॉलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो छोटी छोटी एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है या अंडे होते हैं, वो ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको क्लियरली देखने के लिए हमें TVS या सोनोग्राफी करनी पड़ती है। क्योंकि ये जब हम प्रोब वजाइना में डालते हैं तो जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स हैं यूट्रस और ओवरी अल्ट्रासाउंड वेव्स के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो इससे इनका क्लियर पिक्चर आता है और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है। सबसे पहले पेशेंट को हम बेड पर लिटा देते हैं और पैरों को घुटनों से मोड़ देते हैं। जिस तरह से इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं उसी तरह से TVS वाली पोजीशन दे देते हैं पेशेंट को। इस डॉक्टर प्रोब को तैयार करते हैं, प्रोब पे कवर चढ़ा देते हैं, यूजली ये कंडोम होता है, इसके ऊपर जेली लगा के प्रोब को वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं और यूट्रस और एंडोमेट्रियम ओवरीज अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये एक OPD प्रोसीजर है, इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इसमें पेशेंट को कोई भी दर्द नहीं होता है, मतलब कि ये पेनलेस प्रोसीजर है। इसको कब कब करते हैं इसके इंडिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी किसी महिला के दिन ऊपर चढ़ जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए TVS करना पड़ता है। जो प्रेगनेंसी हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से सोनोग्राफी करके अल्ट्रासाउंड से करते हैं, वो हमें सवा महीने की मतलब कि 5 वीक्स की प्रेगनेंसी दिखाई देती है, लेकिन TVS के द्वारा हमें बहुत अर्ली प्रेगनेंसी मतलब 4 वीक्स की प्रेगनेंसी भी दिखाई दे देती है। क्योंकि जो 3 वीक्स से 4 वीक्स का जो एम्ब्रियो होता है वो सरसों के दाने के बराबर होता है, उसको हम TVS पे ही कंफर्म कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है, मतलब इंट्रा यूटेराइन है, या बच्चे की प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ये कि बहुत रेयर होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बट हम इसको अच्छी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा बच्चा बच्चेदानी के अंदर है। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में अंडा और ओवरी का साइज देखने के लिए हम TVS करते हैं। जो नॉर्मल ओवरी का वॉल्यूम होता है वो 3 से 6 CC होता है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओवरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसमें अंडे नहीं बनते हैं, इसलिए इन महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जब भी हमें अंडे को देखना होता है कि अंडे की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम TVS करते हैं। ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम 9th डे से स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं, डेली हम इसमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग TVS से करते हैं और देखते हैं किस दिन अंडा 16 से 20 मिलीमीटर का हो जाएगा। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का डिटेल्स मैंने एक अलग वीडियो में बना दिया है, जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप इसको आई बटन प्रेस करके भी देख सकते हैं। यूट्रस में जब गांठ या फाइब्रॉइड होती है तो उसको देखने के लिए TVS की ज़रूरत पड़ती है। TVS में फाइब्रॉइड का एग्जैक्ट साइज आता है और उसको पता चलता है कि कितने फाइब्रॉइड कहां से निकल रहे हैं, मतलब यूट्रस के मसल से निकल रहे हैं जिसे हम सबम्यूकोसल कहते हैं, या यूट्रस से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं जो सबसीरोसल फाइब्रॉइड होते हैं। तो ये एक्यूरेट साइज TVS से पता चल जाता है। यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें कोई भी पैथोलॉजी है तो इसके देखने के लिए डॉक्टर TVS एडवाइस करते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप। ओवरी में हम देख लेते हैं कोई ओवेरियन सिस्ट, जिसे हम पानी की रसौली बोलते हैं आम भाषा में, वो तो नहीं है। ओवेरियन सिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और ये महिलाओं में एक पीरियड में स्टार्ट होती है और नेक्स्ट पीरियड में खुद ही डिजॉल्व भी हो जाती है। ओवरी में हेमरेजिक सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट भी हो सकती है, इसको हम TVS से डायग्नोस कर सकते हैं। नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब जिसे नलके बोलते हैं सोनोग्राफी में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब इनमें पानी भर जाता है, जैसे कि TB के मरीजों में होता है जिसे हाइड्रोसल्पिंग्स कहते हैं, तब ये सोनोग्राफी में दिखाई देती हैं।
सर्विक्स को चेक करने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि सर्विसाइटिस में हम TBS से डायग्नोस कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर भी TBS से हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। TBS में क्योंकि साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक OPD प्रोसीजर है, इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इसमें पेशेंट को कोई भी दर्द नहीं होता है, मतलब कि ये पेनलेस प्रोसीजर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, लाल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चन के आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।